अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही सलाह का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर उधर से आने वाली सलाहों से कई बार कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि माँ बनने वाली महिला को ये पता हो कि उसे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए जानते हैं लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर दीप्ति वर्मा से, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। महिलाओं के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, क्या क्या उन्हें, जैसे पहली तिमाही में उन्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं, भारी काम नहीं करना चाहिए, नॉर्मल काम कर सकती हैं। और जितने भी मौसम के फल और सब्जियां खाती रहेंगी तो उन्हें उल्टी वाले जो सिम्टम्स होते हैं, उल्टी जो आती हैं, थोड़ी कम आएंगी। और अगर हो सके तो प्रेगनेंसी के पहले भी अगर वो अपना ध्यान रख सके तो उन्हें रखना चाहिए। अगर पोषण अच्छा होगा तो ये उल्टी वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होंगी। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा उल्टी आ रही हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कम से कम 3 विज़िट डॉक्टर के पास ज़रूर, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में। अगर वो ज़्यादा नहीं जा सकती हैं तो 3 विज़िट्स तो करानी चाहिए। आप अपनी तरफ से, आप एक डॉक्टर हैं और आप खुद काफ़ी मरीज देखती हैं, कितने मरीज़ आप देख लेती हैं और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? हम लोग जैसे ANC दिन में 20 से 25 देख पाते होंगे, बहुत ज़्यादा तो ANC मरीज़ नहीं होते हैं, वो इतने 20 से 25 देख पाते होंगे। तो उसमें दिक्कतों का सामना ये होता है, कई मरीज़ जो होते हैं पहले अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी हुई होगी फिर भी नहीं टाइम पे आएंगे, घर वालों के पास टाइम नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है आखिरी समय में पेशेंट अकेली चली आ रही है, कोई तैयारी नहीं होती, कोई जाँचें नहीं होती हैं, ना खून की जाँच होती है, ना HIV HBsAg की जाँच होती है, ना ब्लड ग्रुप की जाँच होती है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, जिसके कारण से कभी कभी बच्चे में क्या अंदर से विकृति है वो पता नहीं चलती है। आखिरी समय में फिर उन्हें 9 महीने बाद, पालने के बाद पता चलता है कि मेरा बच्चा तो ख़राब है, वो ज़्यादा बाहर सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए कम से कम 3 जाँचें, आजकल तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, थोड़ा सा एम्बुलेंस मिल जाती है, 102 108, आप उस पर कॉल करिए, कॉल करेंगे उसके आधे घंटे में एम्बुलेंस आ जाती है। तो सरकारी योजनाएं बहुत चली हैं महिलाओं के लिए, उससे भी काफ़ी लोग लाभ पा रहे हैं। जी जी, बहुत लाभ पा रहे हैं। आजकल जगह जगह भी PHC CHC खुली हुई हैं, तो वहाँ जा सकते हैं। कई प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो अपना कार्ड लेके प्राइवेट हॉस्पिटल जो उसके अंदर इंटाइटल्ड है वहाँ जा सकते हैं। और काफ़ी बार हम लोग फ्री कैंप लगा देते हैं ANC चेकअप के लिए, HRP डे होता है तो 9 तारीख को हम लोग फ्री कैंप लगा देते हैं। उस दिन सारी महिलाएं आके एक बार दिखा लें, जो कहीं पैसों की वजह से नहीं जा पाती हैं या किसी वजह से नहीं जा पाती हैं, तो उस दिन उनके लिए फ्री कैंप होता है। तो उसमें जो थोड़ी हाई रिस्क वाली महिलाएं होती हैं उनको हम लोग मार्क कर देते हैं, ताकि वो कार्ड पे पता चल जाए कि वो थोड़ी हाई रिस्क वाली हैं, तो स्पेशल उनके लिए अटेंशन दिया जाए। गर्भवती होने के साथ ही एक औरत का जीवन जहां नई उम्मीदों से भर जाता है, वहीं आने वाले दिनों की चिंता भी सताने लगती है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान हर बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। न्यूज़ डेस्क।